M has given a loan of rupees 20,000 to the firm on 1st April 2011. The partnership deed is silent upon the question of provision of interest on partner's loan. Partners ke loan par kitna hai na, kis hisab se deed is silent. So compute the interest payable on loan advanced by M to the firm, assuming books are closed on 31st December each year. तो 31 दिसंबर को ईयर खत्म होता है, 1st अप्रैल को पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है 20,000 का और डीड इज साइलेंट. या हु इज गोइंग टू आंसर मी दिस क्वेश्चन? सर अच्छा, आई डिड नॉट सी. या तो उससे पहले पट्टा मार. उत्कर्ष भी है, कुणाल भी है, अद्वैत भी. अच्छा द्वैत ने भी दिया आंसर, कुणाल ने भी दिया. स्वस्ति, अच्छा स्वस्ति तुम बताओ. अच्छा पहले लेट मी गिव अ चांस टू स्वस्ति दिस टाइम. हां यस सर, उसका आंसर 900 होएगा. 6% 20,000. यस 20,000 के हिसाब से 6% 1200 होता है पूरे साल का, क्योंकि लोन 1st अप्रैल को दिया गया है और ईयर 31 दिसंबर को खत्म हो गया. तो द फर्म हैज यूज द मनी ओनली फॉर 9 months. 6% पर एनम है तो 900 इसका होगा. दैट्स करेक्ट, दैट्स बिल्कुल ठीक है. Okay, next is we'll move forward and minimize karna padega. Ye chat box se mera screen jo hai wo garbad ho gaya. Fine. Now moving further, question number 7. Hey, आज सार्थक ने मुझे कहा कि भाई इंटरैक्टिव थोड़ा सा इसको बनाइए, तो मैंने उसको कोशिश कर रहा हूँ कि आई मेड दिस ऑनलाइन मोड लिटिल इंटरैक्टिव. Anyway, now we move on to question number 7 here. Anand, Ajay and Sanjay are partners in a firm sharing profits and losses equally. Following differences arose between them while distributing profits and partners do not have any partnership deed. Unme koi bhi deed nahi tha. Ana, deed is not there. Again, I am saying they do not have partnership deed and there was dispute among the parties. ये होना चाहिए क्वेश्चन. State giving reason how the differences should be sorted out. Anand has provided a capital of rupees 5 lakhs, whereas Sanjay has provided rupees 1 lakh as capital. अच्छा उत्कर्ष has raised hand. हाँ उत्कर्ष चलो बताओ भाई, बताओ first question A part. उत्कर्ष भी कुणाल भी ए पार्ट का आंसर दे दो उत्कर्ष, एंड बी पार्ट का आंसर देंगे कुणाल. सर 1 मिनट. हाँ वेटिंग. सर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन आनंद कैन नॉट claim interest of 12%. Okay. And Sanjay cannot. Sanjay wants interest on loan at rate 12%, but according to partnership act, he can only get interest of 6% per annum. ठीक है, ठीक है. And again, he wants capital. No interest on capital. बिल्कुल सही है. No interest. है ना आनंद, देखिए आनंद ने कैपिटल लगा रखी 5 लाख और संजय ने लगा रखी 1 लाख. आनंद तो कह रहा है कि भाई 5 लाख पे 12% दो, और संजय कह रहा है कि नहीं मैंने जो लोन दिया उस पे 12% दो और कैपिटल पे कर. तो ऐसा तो कुछ नहीं होगा, ठीक है. आइदर ऑफ देम. अच्छा देखिए ये डिस्प्यूट वाला पॉइंट यहाँ पे लिख दिया है मैंने. अजय डज नॉट एग्री टू आइदर ऑफ देम. संजय कुछ कह रहा है, अजय आनंद कुछ कह रहा है और अजय उनसे एग्री नहीं कर रहा. So the point here is there is a dispute among the partners. Now in that particular case, sir, no interest on capital will be allowed. Sir, किसी के माइक से अजीब से आवाज आ रही है. अच्छा ठीक है, वो म्यूट कर दीजिए भाई, है ना. तो the partners would not be getting interest on capital and then interest on loan would be given at the rate of 6% per annum. ठीक है कुणाल, now question number the B part of the question. No sir, Sujay can't join. नहीं बेटा, अजय wants younger brother Sujay to be admitted, which Anand and Sanjay are not.
मैंने अभी बताया था कि ये कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं एडमिशन के, रिटायरमेंट के, इसमें मेजोरिटी या उस सब से नहीं चलता, इसमें ऑल द पार्टनर्स हैव टू एग्री, है ना, सारे पार्टनर्स एग्री होने चाहिए। तो अगर यस सर, तो सुजय ज्वाइन नहीं कर सकता? नहीं कर सकता, हाँ, सुजय कैन नॉट ज्वाइन। तो सुजय अगर ज्वाइन करता है और सुजय कुछ भी करेगा तो उसका अफेक्ट आनंद और संजय पे भी पड़ेगा, बिकॉज अभी हमने सुबह देखा था कि ये म्यूचुअल एजेंसी काम करती है, पार्टनरशिप में म्यूचुअल एजेंसी होती है। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब ये होता है कि हर पार्टनर एक दूसरे का प्रिंसिपल भी है और एजेंट भी है, ठीक है, एंड देन इन दैट केस ऑल द पार्टनर्स आर लिंक्ड। सो इसलिए जरूरी है कि सभी पार्टनर्स उन सब डिसीजंस पे एग्री करें, ठीक है। इज दैट ओके विथ यू? तो ये सुजय कैनॉट ज्वाइन बिकॉज ऑल द पार्टनर्स आर नॉट एग्रीइंग टू इट। नाउ व्हाट अबाउट दिस सी पार्ट? हम सी पे आ जाएं। फॉर अ पीरियड ऑफ वन कंप्लीट मंथ संजय हैज ऑपरेटेड द पार्टनरशिप फर्म अलोन एज आनंद एंड अजय वर आउट ऑफ द कंट्री ऑन वेकेशन। संजय वांट्स सैलरी ऑफ ₹15,000 फॉर दैट वन मंथ टाइम। आनंद एंड अजय आर अगेंस्ट एनी सच पेमेंट। So, okay. Swasti, chale beta, aap bataiye. No, sir, he cannot take the 1 month salary. Because the deed is silent and there is no agreement among the partners. Na, partners yes. Ke aapas mein agreement nahi hai. Ajay obtained one contract in the name of the firm and executed it alone and earned a profit of ₹50,000. He wants to keep the entire profit with him, whereas Sanjay and Anand want a share in the profits. So, okay. चलिए उत्कर्ष आप भी आंसर दे दें, कुणाल आप भी दे दीजिए वन बाय वन। चलिए उत्कर्ष, यू कैन गिव द आंसर फॉर डी पार्ट। सर, अजय हैज टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट विद द अदर पार्टनर्स। ओके, ठीक है। कुणाल, व्हाट डू यू से? सर, सेम आंसर। सेम आंसर ना? तो अजय ऑब्टेन्ड वन कॉन्ट्रैक्ट इन द नेम ऑफ द फर्म, एग्जीक्यूटेड अलोन एंड अर्न द प्रॉफिट। तो उसने, अजय ने, वो फर्म के बिहाफ में काम किया है और जो भी काम कर रहा है वो सभी पार्टनर्स को बिलोंग करेगा। सो दिस वाज द क्वेश्चन व्हिच आई गेव यू टू सॉल्व। ओके, आई एम कमिंग बैक टू द स्क्रीन नाउ। Now we come back to another point, P&L appropriation account. अब हम आ जाते हैं and we discuss about what is P&L appropriation account. We'll be discussing about this. ठीक है? Everybody is able to see the screen. मैंने screen share कर दी है। Yes sir. Okay. Now P&L appropriation account, जैसे मैंने आपको बताया था, आपके 12th के syllabus में P&L appropriation account है, और P&L appropriation account is prepared for distributing the profits among the partners. और it is known as the extension of profit and loss account का extension है। ये भी नॉमिनल अकाउंट होता है, इट इज ऑल्सो अ नॉमिनल अकाउंट, ठीक है, बिल्कुल इसका नेचर है। नेट प्रॉफिट हम पीएनएल अकाउंट से असर्टेन करते हैं और नेट प्रॉफिट हम ट्रांसफर टू इट्स क्रेडिट साइड। जैसे पीएनएल, जैसे हमने याद होगा कि हम ट्रेडिंग अकाउंट जब बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट का ग्रॉस प्रॉफिट हम पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफर करते थे, इसी ढंग से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट है वो पीएनएल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में हम ट्रांसफर करेंगे। सारा पेमेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एक्सेट्रा, हम डेबिट करते हैं, क्योंकि ये फर्म के लिए एक्सपेंस है। जो फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रही है वो फर्म के लिए एक्सपेंस है, जो पार्टनर्स को सैलरी दे रही है वो एक्सपेंस है, जो कमीशन दे रही है वो एक्सपेंस है, एंड देन एनी अमाउंट, और जो अगर हमको कोई रिजर्व बनाना है तो दैट रिजर्व विल ऑल्सो बी ट्रांसफर्ड आउट ऑफ दैट प्रॉफिट। पार्टनर्स से अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लेना है तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर से लेंगे, एंड देन जो भी बैलेंस आएगा उसको हम बोलते हैं नेट डिविजिबल प्रॉफिट। दिस नेट डिविजिबल प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।
ठीक है, ये हमारा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ठीक है, ये हमारा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। इस पीएनएल एप्रोप्रिएशन के अंदर सबसे पहले हम यहाँ नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे, इसके बाद हम इस प्रॉफिट में से पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, पार्टनर्स को अगर किसी पार्टनर को सैलरी देनी है वो देंगे, पार्टनर्स को कमीशन देंगे अगर देना है तो, अगर पार्टनर्स चाहते हैं कुछ रिजर्व बना लिया जाए, सारा प्रॉफिट नहीं बांटा जाए तो रिजर्व हम बनाएंगे, और जो हम पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ले रहे हैं वो हम ले लेंगे, वो प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऐड हो जाएगा। तो इस टोटल प्रॉफिट में से, ये जो टोटल आएगा यहाँ से, इस टोटल में से ये सब चीजें घटाने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा इसको हम बोलते हैं नेट डिविजिबल प्रॉफिट, ये प्रॉफिट हम पार्टनर्स को बांट देंगे। तो अभी हमने ये जो देखा था कि डीड बनाते समय हमने किन बातों को ध्यान में रखना है, व्हाट आर द प्रोविजंस वी हैव टू कीप इन माइंड, ये सारे पॉइंट्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, लोन, ये सब इसीलिए चाहिए क्योंकि अकाउंटेंट का काम अब पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाते समय ये देखना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है कि नहीं देना, देना है तो किस रेट से देना है, पार्टनर को सैलरी देनी है कि नहीं देनी, किस कैसे देनी है, कमीशन किस कैसे देना है, रिजर्व कैसे बनाना है, और फिर जो बचा हुआ जो प्रॉफिट है वो हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो अभी 12th के सिलेबस में आपको ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना आना चाहिए। हम ये बात कर रहे हैं कि पीएनएल अकाउंट और पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डिफरेंस क्या है। मेरे हिसाब से ये जो डिफरेंस है ये बुक्स में भी सब जगह दिया हुआ है और स्कूलों में भी पढ़ाते हैं और कई बार स्कूल्स के पेपर्स में क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन ये आपके बोर्ड में क्वेश्चन नहीं आ सकता कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पीएनएल अकाउंट एंड पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि आपके बोर्ड के अंदर पीएनएल अकाउंट आपके सिलेबस में नहीं है 12th के, दैट इज व्हाई यू कैन नॉट हैव दैट दिस क्वेश्चन, बट अभी आपको समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। पीएनएल अकाउंट तो हमें हर बार नेट प्रॉफिट गिवन होगा क्वेश्चन में, कभी निकालने के लिए नहीं बोल सकते आपको, बिल्कुल बिल्कुल क्वेश्चन के अंदर हमेशा आपको प्रॉफिट निकाल कर दिया होगा, बिल्कुल दिया होगा। आपसे एक्सपेक्टेड नहीं होगा कि आप ट्रेडिंग अकाउंट पीएनएल अकाउंट बनाइए, आपसे एक्सपेक्टेड ये होगा कि आप सिर्फ अप्रोप्रिएशन बनाइए, बिल्कुल सही। इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट एंड दिस इज प्रिपेयर्ड आफ्टर पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इट इज प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ द बिजनेस। इट इज प्रिपेयर्ड टू शो नेट प्रॉफिट, शो हाउ नेट प्रॉफिट हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। ठीक है, आइटम्स जो इसके अंदर डेबिट होंगे वो सारे एक्सपेंसेस होंगे which are charged against the profit and have to be paid whether there is a profit or loss. ये जो point है इसका मतलब ये हुआ, ये point ध्यान से देखें, इसको आप लोग भी सब भी पढ़ें and then just try to see this point. Items debited in penal account are all expenses, that is they are charged against the profits. हम उनको profit के against charge मानते हैं। Charge का मतलब ये हो गया कि profit हो या नहीं हो, profit कम हो या ज्यादा हो, वो तो देना ही है। जैसे इफ यू रिमेम्बर कि जब हम पीएनएल अकाउंट बनाते थे तो हम उसके अंदर डेप्रिसिएशन लिखते थे, हम उसके अंदर सैलरी लिखते थे, हम उसके अंदर रेंट लिखते थे, हम उसके अंदर ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी लिखते थे, तो वो सारे खर्चे लिखने ही है। उसकी वजह से अगर फर्म को लॉस हो जाता है तो लॉस हो जाए तो भी चलेगा, बट दोज एक्सपेंसेस हैव टू बी रिटन इन एनी केस, वो लिखे जाने, तो हमको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उसको लिखने से प्रॉफिट बचेगा या नहीं बचेगा, फर्म प्रॉफिट में कि लॉस। तो ये जो वर्ड यूज किया गया है यहाँ पे, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये टर्म अभी इम्पोर्टेंट है, हम आगे भी फिर ये टर्म आएगा, हम डिस्कस करेंगे और डिटेल में। दैट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है कि ये वो एक्सपेंसेस होते हैं विच आर इमटेरियल ऑफ द प्रॉफिट, इनका प्रॉफिट कितना है उससे मतलब नहीं है, ये एक्सपेंसेस तो अपनी जगह पर होते ही हैं, दे आर देयर इन एनी केस। ठीक है, और अगर हम ये देखें इधर, दीज आइटम्स विच आर अप्रोप्रिएशन अगेंस्ट द प्रॉफिट, अप्रोप्रिएशन होता है, अप्रोप्रिएशन अगेंस्ट द प्रॉफिट से मतलब होता है प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। इसका मतलब ये हुआ, कुछ अकाउंटेंट्स का ये कहना है कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट उस केस में नहीं बनता जब फर्म लॉस में है, लेकिन एनसीईआरटी ये कहती है कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट पीएनएल अप्रोप्रिएशन है, मतलब प्रॉफिट और लॉस दोनों है, तो प्रॉफिट होगा तो भी बांटने के लिए बनेगा, लॉस होगा तो भी बांटने के लिए बनेगा, दैट इज व्हाट द एनसीईआरटी सेज। तो अब हम लोगों ने चेंज कर ली है अपनी डेफिनेशन लास्ट ईयर से। पुरानी बुक्स आप देखेंगे तो उसमें लिखा होगा कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन तभी बनेगा जब प्रॉफिट है, आजकल की बुक्स कह रही है कि प्रॉफिट हो या लॉस हो
पेनल अप्रोप्रिएशन दोनों केस में बनेगा क्योंकि एनसीईआरटी ने ऐसा बोला है, ठीक है। सो बेसिकली अप्रोप्रिएशन का काम है इसका, डिस्ट्रीब्यूट करने का काम है पीएनएल अप्रोप्रिएशन का। सो दिस इज द पॉइंट हियर, इसको हम और इलेबोरेट करेंगे आगे। रोल ऑफ पार्टनरशिप डीड, जब हम पीएनएल अकाउंट बनाते हैं तो उसमें हमारा पार्टनरशिप डीड का कोई काम नहीं है। ये हम जब बनाते हैं तो हम पीएनएल अकाउंट बनाते हैं मैचिंग प्रिंसिपल से, एक्रुअल बेसिस पे। जैसे हमने अभी एनपीओ के अंदर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया एक्रुअल बेसिस पे, लेकिन जब हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो हम पार्टनरशिप डीड के प्रोविजन के हिसाब से बनाते हैं। तो हमें पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाने के लिए डीड चाहिए होती है, हमें पीएनएल अकाउंट बनाने के लिए डीड नहीं चाहिए, बाकी हमें अप्रोप्रिएशन बनाने के लिए डीड चाहिए। दिस इज देयर एनी डाउट इन सो फार वी हैव डिस्कस्ड, अभी हमने जो डिस्कस किया है वो हमने डिस्कस किया है पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट हम क्यों बनाते हैं, फिर हमने डिस्कस किया है पीएनएल अकाउंट और पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डिफरेंस। सो आई वुड लाइक टू नो कि सबको अपने अपने हैंड्स दिखा दें भाई एक बार फिर से, जिस जिसको समझ में आया। अद्वैत को आ गया, उत्कर्ष को आ गया, हार्दिक को आ गया, स्वस्ति को आ गया, ओके यश को आ गया क्या बेटा, मैंने स्वस्ति को भी आ गया, ओके कुणाल इज गॉट इट, अमी को भी आ गया है, स्वस्ति को भी आ गया है, ठीक है, गर्वित आल्सो गॉट इट, दिशा को भी समझ में आ गया यहाँ तक, अद्वैत ओके, आदित्य मेहता को भी आ गया, गर्वित को भी आ गया एंड प्रभु को भी आ गया, ठीक है। और कोई बचा है क्या, यश सर आ गया आ गया। तनिष्का बेटा डिड यू गेट इट, व्हाट इज पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट? यस सर। ओके कुणाल तुमको आया क्या? यस सर। खुबी आई डिड नॉट गेट योर रिस्पांस, तुम्हारा आया? यस सर। ठीक है ठीक है, अब हम देखते हैं कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना। हाँ बोलिए, गो अहेड। जब प्रॉफिट बनाते हैं हम, तो जब डिसोल्यूशन का टाइम आता है, जब कंपनी एंड हो रही होती है, तो रिजर्व टूट के जो अमाउंट आएगा वो पार्टनर्स को ही मिलेगा ना? देखिए हम लोग क्या करते हैं, एक फर्म के बैलेंस शीट में क्या क्या हो सकता है, एसेट्स होंगी, लायबिलिटीज होगा, रिजर्व होगा, कैपिटल होगा। तो रिजर्व अल्टीमेटली होता क्या है, रिजर्व वो होता है जो हमने अभी देखा कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन के अंदर हम रिजर्व भी बना सकते हैं। रिजर्व जो होता है, अगर ये रिजर्व नहीं बनाया जाए तो जो पार्टनर्स को जो प्रॉफिट बट रहा है ज्यादा बटेगा, तो जब हम रिजर्व बना लेते हैं तो ये पार्टनर्स को प्रॉफिट कम बटता है, तो रिजर्व रिड्यूसेस द डिविजिबल प्रॉफिट ऑफ द पार्टनर्स। और ये रिजर्व क्यों बनाया गया, किसी इमरजेंसी के लिए बनाया गया, तो जब रिजर्व की उस समय जरूरत नहीं है, फर्म बंद हो रही है, कुछ काम है, तो रिजर्व को हम पार्टनर्स को हमेशा डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, बिल्कुल। तो रिजर्व बैक टू द, अभी हम जब देखेंगे आगे एडमिशन रिटायरमेंट में, हम उसके अंदर भी रिजर्व पार्टनर्स को बांट देते हैं, ऐसा नहीं कि हम जब फर्म बंद करेंगे तभी, इवन एडमिशन रिटायरमेंट में भी हम पार्टनर्स को रिजर्व बांट देते हैं, क्योंकि रिजर्व पुराने पार्टनर्स ने बनाया है तो रिजर्व नए पार्टनर्स को नहीं मिलता, इट इज ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर्स। सर तो रिजर्व में रेशियो क्यों नहीं होता, मतलब कोई नया पार्टनर आया तो अब जैसे मान लो सार्थक को डिसॉल्व क्यों करते हैं उसमें रेशियो, सो से फॉर एग्जांपल सार्थक और यश दो पार्टनर्स हैं और दोनों का रेशियो इक्वल है, ठीक है, दोनों एक ही जगह एक ही एरिया में रहते हैं, तो दोनों ने फर्म बनाई और उन्होंने एक इक्वल रेशियो रखा हुआ। अब जो है यश में एक और पार्टनर आपको ज्वाइन करता है, अब आपका इक्वल रेशियो, तो जो रिजर्व बनाया है वो किसने प्रॉफिट सेक्रीफाइस किया, यश ने और सार्थक, जो थर्ड पार्टनर आ रहा है उसने तो उसके लिए रिजर्व के लिए सेक्रीफाइस कुछ नहीं किया है, तो उस रिजर्व में उसका राइट नहीं है एडमिशन पे, तो आप क्या करोगे, वो रिजर्व को दो पार्टनर जो पुराने पार्टनर्स उनमें हमेशा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हम हम आगे और डिस्कस करेंगे डिटेल में। जब हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो हम इसको कैसे ट्रीट करते हैं, इसमें कुछ बातें हैं वो हम अभी थोड़ा बहुत आप जो भी डाउट्स हैं पूछते चलेंगे, बाकी हम इसमें और डीप में आएंगे बाद में भी। हाँ एनी डाउट, यस बोलो बेटा। सर अभी आपने बोला कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट लॉस और प्रॉफिट दोनों केसेस में बनता है, बिल्कुल 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 सर, तो फिर अगर लॉस हुआ तो फिर आईओसी वगैरह तो देंगे ही नहीं ना पार्टनर्स, लॉस में आईओसी नहीं देंगे, आपके पास प्रॉफिट नहीं है ऐसे देने के लिए, हम लॉस में आईओसी नहीं देंगे,
बाकी बनता है ये दोनों केस में, तो लॉस सिर्फ बांट देंगे पार्टनर्स बिल्कुल सर। तो फिर तो देंगे ही कुछ ना, क्योंकि अप्रोप्रिएशन में तो सारे भाई आते जो अप्रोप्रिएटेड होते हैं। हाँ वो तुम्हारा कहना सही है, अभी हम थोड़ा सा और आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि लॉस में भी पार्टनर्स कुछ कह सकते हैं। जैसे कि अच्छा इसको थोड़ी देर के लिए होल्ड रखो इस क्वेश्चन को, मैं इस पॉइंट पे आता हूँ, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं इससे कनेक्टेड, वो हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए शायद इसके अंदर वो पॉइंट्स आ जाएं, हाँ इसी के बाद में ही है वो पॉइंट। देखिए अगर हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन जब बनाएंगे तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म इज ऑलवेज ट्रीटेड एज अ चार्ज। यहाँ पे एक टर्म यूज किया गया है, इट इज ट्रीटेड एज अ चार्ज। ट्रीटेड एज अ चार्ज का मतलब ये हुआ कि अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है, उस लोन पर जो इंटरेस्ट दिया जाएगा वो हर हाल में देना है, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। तो जो स्वस्ति अभी तुमने बात कही कि हमें लॉस के केस में अप्रोप्रिएशन बनेगा, लॉस के केस में अप्रोप्रिएशन बनेगा, लेकिन अगर पार्टनर को इंटरेस्ट लोन पर देना है तो वो लोन पर इंटरेस्ट देने के बाद में हमारा लॉस और बढ़ जाएगा, तो बढ़ा हुआ लॉस हम पार्टनर्स को बांटेंगे। तो वी हैव टू गिव इट इन एनी केस, हमें उनको देना ही है, ठीक है। देयरफॉर आइदर दिस आइटम अपीयर्स इन, तो अच्छा अब कुछ अकाउंटेंट्स का ये कहना है कि ये इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन चूंकि चार्ज है तो ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन में नहीं, ये पीएनएल अकाउंट में आना चाहिए। तो इस बात पर तो करीब करीब सब एग्री करते हैं कि अगर ये चार्ज है तो ये अमाउंट हमारा पीएनएल अकाउंट में आना चाहिए, ना कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। लेकिन चूंकि पीएनएल अकाउंट आपके सिलेबस में नहीं है, ये पीएनएल अकाउंट आपके सिलेबस में नहीं है, सॉरी ये गलत साइन हो गया, ये नहीं है, आपके सिलेबस में जो है वो है पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो चूंकि आपके सिलेबस में पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट है तो इस वजह से हमें पार्ट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन भी जो है वो हमें पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही शो करना होता है, हमें वो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही शो करना होता है। तो उसको हम कैसे शो करते हैं, हम प्रॉफिट में से क्रेडिट साइड में डिडक्ट करके दिखाते हैं। इसको मैं एक काम करता हूं, लेट मी अब मैं आगे इस पॉइंट पे आऊंगा, जस्ट होल्ड करें इस पॉइंट को, मुझे आगे एक नया डॉक्यूमेंट खोलना पड़ेगा जिसमें मैं दिखाऊंगा कि अगर पार्टनर को हमें इंटरेस्ट देना है लोन पर और लोन पे देना है तो हम उसको पीएनएल अकाउंट में कैसे दिखाएंगे। आइडियली ये आइटम पीएनएल अकाउंट का है, बाकी हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन में उसको कैसे दिखाएंगे, जबकि ये चार्ज है तो पीएनएल अकाउंट में आना चाहिए, मतलब जो हम नेट प्रॉफिट निकाल रहे हैं उसमें से ये पहले ही डिडक्ट हो जाना चाहिए। एक इसको मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको समझा देता हूँ, चलिए लेट मी ट्राई, अभी तो कोई बात नहीं है ऐसी। सर ऐसा कोई टाइप ऑफ है जो सिर्फ प्रॉफिट शेयर करे? सॉरी ऐसा क्या, ऐसा ऐसा कोई टाइप ऑफ है कि जो सिर्फ प्रॉफिट शेयर करे? ऐसा कोई पार्टनर कहना चाह रहे हो, ऐसा कोई पार्टनर हो सकता है क्या जो प्रॉफिट शेयर करे, समथिंग लाइक दैट? हो सकता है हमने डीड में पार्टनर्स अगर सब एग्री कर रहे हैं तो वो ऐसा एक आपस में एग्रीमेंट कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर पार्टनर हमारा सिर्फ प्रॉफिट शेयर करेगा। ऐसा तब होता है जब कोई माइनर पार्टनर होता है, अगर कोई माइनर पार्टनर है तो वे लॉ कहता है माइनर पार्टनर लॉस बेयर नहीं करेगा, माइनर पार्टनर विल बी पार्ट ऑफ अवर ओनली प्रॉफिट्स। क्यों? क्योंकि माइनर पार्टनर को ये माना जाता है कि माइनर पार्टनर कॉन्ट्रैक्ट करने की पोजिशन में नहीं होता, वो अभी माइनर है, अभी वो डिसीजन पूरे नहीं ले सकता। तो अगर आप किसी माइनर को पार्टनर बनाएंगे फर्म में तो माइनर जो है हमेशा प्रॉफिट ही शेयर करेगा, लॉस शेयर नहीं करेगा। मान लीजिए ये हमारा पीएनएल अकाउंट है और यहाँ पे हमको नेट प्रॉफिट आया है। सर अगर वो भी नहीं ले सकता तो उसको एक टैक्स वैक्स के पर्पस, अगर वो खुद के डिसीजन भी नहीं ले सकता तो हम उसको पार्टनर क्यों बनाएं? वही कह रहा हूँ, क्या होता है कई लोग कभी कभी, जैसे आपने 11 में एचयूएफ पढ़ा था, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एचयूएफ वगैरह में टैक्स की सेविंग हो जाती है। जैसे एक करता है वो अपनी इनकम को बांट देता है फैमिली मेंबर्स में, तो जैसे आप जानते हो इंडिया में टैक्सेशन प्रोग्रेसिव सिस्टम है, अगर किसी की 5 लाख इनकम है और किसी की 15 लाख इनकम है तो डेफिनेटली 15 लाख वाले को टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। तो 5 लाख 15 लाख वाला क्या करता है, अपनी 15 लाख की इनकम को 5-5 लाख फैमिली मेंबर्स में बांट देगा। उससे उसको क्या फायदा होगा, उससे उसको ये फायदा होगा कि उसका टैक्स बच जाएगा,
तो कुछ लोग क्या करते हैं, अपना टैक्स बचाने के लिए अपनी इनकम को फैमिली के मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो एक फादर या एक पेरेंट जो है, अच्छा ओके, एक पेरेंट जो है अपने किसी भी फैमिली मेंबर को दूसरों को पार्टनर बना सकता है अपने माइनर बच्चों को, जिससे कि उसका प्रॉफिट जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और उसकी टैक्स की लायबिलिटी कम हो जाए। तो ऐसा किया जा सकता है। अभी हमने क्या देखा कि ये हमारा पीएनएल अकाउंट है, इस पीएनएल अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट आया है, इस नेट प्रॉफिट को हम यहां से यहां ट्रांसफर करते हैं पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, एंड देन वी राइट इट हियर, हम यहां लिखते हैं बाय नेट प्रॉफिट 10,000, और इस 10,000 को अब हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स को। इस 10,000 को डिस्ट्रीब्यूट हम यहाँ पे क्रेडिट साइड, डेबिट साइड में आईओसी सैलरी देना है तो सैलरी देंगे, है ना, हमें किसी पार्टनर को सैलरी देना है तो सैलरी देंगे, आईओसी देना है तो आईओसी देंगे, कमीशन देना है तो कमीशन देंगे, और फिर यहाँ पे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। दिस इज व्हाट वी डू। लेकिन अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन में हमें किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन देना है, हमें किसी पार्टनर को इसी क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट ऑन लोन देना है, इंटरेस्ट ऑन लोन, और इंटरेस्ट ऑन लोन सपोज 2,000 का हमें देना है, तो ये इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो आपको देना ही देना है, ये चार्ज है, प्रॉफिट हो या नहीं हो। तो कुछ लोगों का कहना है कि इंटरेस्ट ऑन लोन हमारे पीएनएल अकाउंट में आना चाहिए, तो ये जो प्रॉफिट आपने यहाँ पे 10,000 दिखाया है, ये हमारा प्रॉफिट यहाँ पे 8,000 होना चाहिए, और ये फिर 8,000 का जो प्रॉफिट है, अच्छा इसको मुझे डिलीट करना पड़ेगा पहले, ये हमारा प्रॉफिट यहाँ पे, मैं इसको ऐसा करता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ, जिससे कि मुझे इसका गणित अभी समझ में आया नहीं है पूरा कैसे यूज करना। तो 8,000 आएगा, तो ये जो प्रॉफिट है ये भी हमारा यहाँ पे रिड्यूस होके 8,000 आ जाएगा। लेकिन अब अगर मान लीजिए आपको कई बार ट्वेल्थ के जो क्वेश्चन है उसके अंदर दिया रहता है प्रॉफिट, और उसके अंदर दिया रहता है इंटरेस्ट ऑन लोन भी देना है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन अगर हमको प्रॉफिट दिया है तो ये तो टेक्निकली इस प्रॉफिट में से ऑलरेडी इंटरेस्ट ऑन लोन तो कम हो जाना चाहिए था, इस प्रॉफिट में से ऑलरेडी कम हो जाना चाहिए था, लेकिन वो हमें प्रॉफिट भी दे दिया है और इंटरेस्ट ऑन लोन भी दिया हुआ है, तो हम ये मानते हैं कि इस प्रॉफिट में से अभी इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा घटाया हुआ नहीं है। अगर हमें ये इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पे मान लीजिए नहीं दिया होता, सपोज ये इंटरेस्ट ऑन लोन हमें नहीं दिया है और हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा है, तो हम ये मानते हैं कि इस इंटरेस्ट ऑन लोन में अभी प्रॉफिट कम नहीं किया हुआ है, इसमें नहीं किया हुआ, तो ओके अब मैं समझ, एक तरीका है, सपोज देयर इज नो इंटरेस्ट ऑन लोन, हमें नहीं दिया है कुछ भी और ये प्रॉफिट दे दिया हमें और बोला है इंटरेस्ट ऑन लोन, तो अब हम क्या करेंगे उस केस के अंदर, जब हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, तो हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट जब बनाएंगे तो हम यहां पे जब प्रॉफिट लिखेंगे क्रेडिट साइड में बाय प्रॉफिट्स, सपोज यहां पे हमें 10,000 प्रॉफिट दिया है उसी तरह के क्वेश्चन में, और इसके अंदर 2,000 का इंटरेस्ट ऑन लोन, तो हम यहां पे इनर कॉलम में उसको रिड्यूस कर देंगे, और हम ये फिर बाहर अपना प्रॉफिट मान लेंगे 8,000, क्योंकि अगर ये इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा, अगर ये हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन पीएनएल अकाउंट में आ जाता, तो जो हमारा एक्चुअल में प्रॉफिट आता, वो हमारा जो प्रॉफिट आता वो 8,000 ही आता, लेकिन हमने ये इंटरेस्ट ऑन लोन पीएनएल अकाउंट में नहीं दिखाया, ये इंटरेस्ट ऑन लोन हमने पीएनएल अकाउंट में नहीं शो किया, ये नहीं शो किया, इस वजह से हमारा प्रॉफिट जो है अभी
जो है वो ये 10,000 आ रहा है, अदरवाइज हमारा प्रॉफिट 8,000 आता। तो ये 8,000 करने के लिए हम इस चीज को पीएनएल अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम माइनस करके उसको इस ढंग से शो करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन को। तो ये चीज इसके अंदर अपने को ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये आपको स्क्रीन वगैरह दिख रहा है ना ये सारा? अच्छा उत्कर्ष, ये हाँ बोलो उत्कर्ष, कुछ कहना चाह रहे हो? Your voice is cracking. अच्छा my voice is cracking. Okay, चलिए ठीक है। Is this better now? Yes, sir. Okay. Anybody else? Anything? Is this clear? ये थोड़ा सा समझ में आया कि interest और loan को हम penal appropriation में कैसे show करेंगे? Yes, sir. आगे समझ में। Yes, sir. अगर इंटरेस्ट ऑन लोन दिया, अगर आपको दिया इंटरेस्ट ऑन लोन, इसका मतलब जो वो आना चाहिए आइडियली पीएनएल अकाउंट में, पीएनएल अकाउंट में लिख देते तो हमारा प्रॉफिट ऑलरेडी 8,000 आता, लेकिन क्वेश्चन में हमें 10,000 का प्रॉफिट दिया और बोला इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री कीजिए, तो इंटरेस्ट ऑन लोन हमें पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में इस ढंग से लेस करके दिखाना है, ठीक है। वी विल हैव टू एंड दिस सेशन अगेन एंड देन वी विल हैव टू रीस्टार्ट। मैं इसको फिर से रीस्टार्ट करता हूँ।